नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणवीर जाखड़ और मेरे साथ हैं डॉक्टर डी रासर। जी सर, तो हमारा कार्बोनिल का सेकंड पार्ट था। जी जी, पहला पार्ट हमने किया था, अब हम सेकंड पार्ट में कंटिन्यूस कर रहे हैं इसको। हाँ सर, तो सर 31 क्वेश्चन सर करिए। ये अपने को क्या दे रखा है, साइक्लोहेक्सेनोन दे रखा है। इसकी रिएक्शन अपन RMGX के साथ करवा रहे हैं, यानी कि गिनार रीजेंट अपने को दे रखा है। तो देखिएगा ये क्या दे रखा है अपने को, कार्बोनिल कंपाउंड की इसके साथ रिएक्शन करवाई अपने, किसके साथ, गिनार रीजेंट के साथ। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है ये इसके ऊपर अटैक करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर आ जाएगी, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव और इसके ऊपर क्या रहता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। किसका फॉर्मेशन हो गया सर, 3° अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे तो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH, 3° अल्कोहल मिला है। अब अपने क्या कर रहे हैं, हीट करने का साइन और H2SO4 दे रखा है, यानी कि कंसंट्रेट H2SO4 और हीट करने का साइन है। इसका मतलब ये डिहाइड्रेशन कर देगा, डिहाइड्रेशन कर देगा तो मेजर प्रोडक्ट अपने क्या मिलेगा, पहले फर्स्ट इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो करवाएंगे, अदरवाइज नहीं करवाएंगे। यहाँ पे ये मिल जाएगा सर अपने एक स्टेबल एल्कीन। जी जी जी, एक स्टेबल एल्कीन यानी कि सेजेफ एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है, ये E1 रिएक्शन के अकॉर्डिंग होती है। और फिर अपने को क्या करवाना है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करवाना है। तो रिडक्टिव अपन ओजोनोलाइसिस करवाएंगे तो डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, इधर भी ऑक्सीजन लगा दो और इधर भी ऑक्सीजन लगा दो, ठीक है। ये मिल जाएगा अपने को डाई, यानी कि डाई ओल आ जाएगा, यानी कि एक तो एल्डिहाइड ग्रुप और एक क्या आ जाएगा, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यही अपना आंसर हो जाएगा। जी सर, यही आंसर हुआ, सेकंड करेक्ट होगा। तो सेकंड आंसर अपना क्या आ जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा, यानी कि एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और एक है कीटोनिक ग्रुप है। सर ने यहां पर ये बताया कि एक तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी जी, और एक एलिमिनेशन ईवन एलिमिनेशन जी जी, और एक ओजोनोलाइसिस, तीन रिएक्शन एक साथ, मतलब तीन रिएक्शन एक साथ याद होनी चाहिए। जी जी जी, बहुत बढ़िया काम कर दिया सर ने। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सर इस सवाल के बारे में बताइए, क्या कह रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल है आपके पास, जी जी, एब्जॉर्ब द 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पर मोल ऑफ ए एंड अपॉन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन गिव्स प्रोडक्ट बी। जी जी जी, कंपाउंड बी इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन बाय CrO3 एंड डज नॉट शो एनी ऑप्टिकल एक्टिविटी। जी 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 जी, द स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी। जी, तो जो अपने को कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग अपन पढ़ते जाए। जी जी, ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल अपने को लेना पहले ही। जी जी, तो ऑप्टिकली एक्टिव इसमें सेलेक्ट कर लें। ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्या, पहला नहीं है, इसका मतलब घटा सामग्री घटा। फिर दूसरा अपन देखें। जी, तो ये मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। जी, ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये हमारे पास CH3 आ रहा है, ये है। जी जी जी, ठीक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका मतलब ये अपना आंसर हो सकता है। हाइड्रोजनेशन करेंगे, 2 मोल चाहिए, 2 मोल, इसका मतलब या तो 2 डबल बॉन्ड होने चाहिए या 1 ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए। जी जी, इसमें मतलब हमारे पास 1 ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है दोनों में। जी जी जी, इसका मतलब ये दोनों ही उस कंडीशन को फॉलो कर रही है। आगे बताएं सर। फिर अगला कंडीशन दे रहा है, कंपाउंड बी जो रेजिस्टेंट टू द ऑक्सीडेशन बाय CrO3 डज नॉट शो एनी ऑप्टिकल एक्टिविटी। जी जी जी, अगर इसका ऑक्सीडेशन करवा देंगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। जी, तो ये ऑप्टिकली देखिए इसमें इनएक्टिव हो रहा है। जी जी जी, इनका एरो सेंटर नहीं है, लेकिन यहां ऑप्टिकली एक्टिव बन रहा है वापस। जी 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 जी, तो यानी सेकंड आंसर होगा सर। जी, तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा, ये सर ये कह रहा है कि CrO3 ऑक्सीकृत नहीं होता तथा प्रकाशिक समान 3° जो होते हैं वो उस प्रोसेस, यानी कि जो अपने पास B मिलेगा वो ऑक्सीकृत नहीं होगा, राइट, यानी कि डज नॉट ऑक्सीडाइज्ड, मतलब जो CrO3 है ना। जी जी जी, ये क्या करता है, 3° को ऑक्सीडाइज नहीं करता, नहीं कर पाता, 1° को एल्डिहाइड को एल्डिहाइड में चेंज कर देगा, 1° को कीटोनों में चेंज कर देगा। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि CrO3 माइल्ड भी है या स्ट्रॉन्ग भी है। सर ये आंसर क्यों नहीं हुआ अपने पास, ये हमारे पास क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिविटी बोल रहा है। जी 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 जी, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसमें कायरल सेंटर है सर। तो बहुत बढ़िया बात बता दी सर ने कि कौन सा आंसर आ जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, बताएं सर इस सवाल के बारे में, गिवन कन्वर्जन आइडेंटिफाई द रीजेंट इफ CR। जी जी जी, रीजेंट पूछ रहे हैं। जी, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, ये एल्कीन दे रखी है, 1-methyl साइक्लोहेक्सीन दे रखी है। तो एल्कीन के अकॉर्डिंग अपन जाएं तो हमारे पास है इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हैं। जी जी जी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवा देंगे तो किसके अकॉर्डिंग काम हो जाएगा, इसका एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग काम हो जाएगा। जी सर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH, यही हुआ एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग। PCC क्या करता है सर, जी जी, एल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है कार्बोनिल।
अच्छा कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन में चेंज कर देगा, तो पीसीसी मिल्ड ऑक्सीडेशन होता है सर, तो इसका मतलब ये 2 डिग्री अल्कोहल को किस में चेंज कर देगा, कीटोनों में चेंज कर देगा, ये दे रखा है सर। और ये तो अपन ये भी कहते हैं कि पीसी इज द बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग टू अल्कोहल टू कार्बोनिल कंपाउंड। जी 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 जी, इसका मतलब फर्स्ट नहीं हो सकता अपना, सेकंड हो सकता है क्या सर, यहाँ तक हो सकता था लेकिन बी नहीं हो सकता, क्योंकि बी एक ही पूरा स्टेप एक ही है सर, यानी कि ये डाइबोरेन दे रखा है और उसके बाद में H2O2 ये दोनों एक ही है ऑक्सीडेशन। जी जी जी, यानी कि ए और बी इसने अलग अलग करके लिख दिया, लेकिन है ये पूरा स्टेप एक ही है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का है, और सी अपना क्या दे दिया पीसीसी, इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े सर। देखिए सर ये बहुत ही प्यारा सा सवाल है, क्या पूछ रहा है सर ये, देखिए इसमें हमारे पास बर्च रिडक्शन का क्वेश्चन है। अच्छा ब्रिज रिडक्शन, सोडियम लिक्विड अमोनिया को क्या बोलते हैं सर, ब्रिज रिडक्शन, ये क्या काम करता है सर, ये हमारे पास है, एक तो देखो एल्काइन में हमारे पास आता है। जी जी जी, नॉन टर्मिनल एल्काइन है। जी जी, ट्रांस में कन्वर्ट कर, जी टर्मिनल एल्काइन ये रिएक्शन नहीं देगी सर, टर्मिनल में फिर वहां पर हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी। अच्छा एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, एसिड रिएक्शन हो जाएगी, तो टर्मिनल अल्काइन तो सोडियम के साथ रिएक्शन करके क्या दे देगी, एसिड बेस रिएक्शन, यानी कि H2 रिलीज कर देगी, ठीक है सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देगी, और नॉन टर्मिनल अल्काइन है तो वो ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगी। यदि ट्रांस बनाना है तो आपको नॉन टर्मिनल लेना पड़ेगा। जी 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 जी, टर्मिनल ले लोगे तो हाइड्रोजन निकल, जी 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 सॉल्ट बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने को बेंजीन दे रखी है सर, बेंजीन इसके साथ रिएक्शन करेगी, यानी कि क्या दे रखा है अपने को, ब्रिज रिडक्शन दे रखा है, सोडियम और लिक्विड अमोनिया, ये पहला बंदा ऐसा है जो मोर स्टेबल की से लेस स्टेबल की ओर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो बेंजीन जनरली अगर अपन बात करें तो मोर स्टेबल होती है, एरोमेटिक है, और एरोमेटिक से किस में कन्वर्ट हो रही है, नॉन एरोमेटिक, यानी कि मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की ओर कन्वर्ट हो रही है। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि ब्रिज ने ऐसा गंदा काम कर दिया था, तो इसका मतलब ट्रांस एडिशन हो गया। अब अपने क्या करवा रहे हैं सर, ओजोनोलाइसिस करवाएंगे, तो ओजोनोलाइसिस ये दे रखा है अपने को, ओजोनोलाइसिस यानी कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करवाइए सर, यानी कि जिंक नहीं है इसके पास, विदाउट जिंक हो गया, जी विदाउट जिंक है, ओजोनोलाइसिस अपने को दे रखा है, तो किस में चेंज हो जाएगा, यानी कि डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा दो, ठीक है इसमें चेंज हो जाएगा, पहले एल्डिहाइड बनेगा फिर वापस किस में चेंज हो जाएगा, ये ओम्स गैप याद आ रहा होगा आपको, ओम्स गैप, इसमें दो कार्बन, इसमें तीन, इसमें चार, इसमें पांच, इसमें छह और इसमें सात, तो कितने कार्बन है टोटल, यानी कि तीन कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये क्या हो गया, मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड, जी जी जी, अब इसमें हीट करने का साइन और दे रखा है, और जेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो केवल गर्म करने पर CO2 रिलीज हो जाती है, तो अपने क्या मिल जाएगा सर, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, ये मिला सर, CO2 रिलीज हो जाएगी, तो कौन सा आंसर आ जाएगा अपना, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। बहुत ही प्यारा सा सवाल, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, इस सवाल के बारे में बताएं सर ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, अच्छा यही है वो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसकी, जी 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 जी, तो इसमें क्या है हमारे पास ये दोनों ब्रेक होकर के फ्री रेडिकल बन जाएगा, अच्छा फ्री रेडिकल बन जाएगा, फिर रेजोनेंस आ जाएगा, जी जी जी, ये हमारे पास ये कंडीशन है, जी ये फ्री रेडिकल बना दिए हैं सर ने, अब इसमें कंजुगेशन होगा सर, पाई सिग्मा अनपेड इलेक्ट्रॉन दैट इज कंजुगेशन, अब यहां पर कंजुगेशन है, जी इसको हमने फिर फ्री रेडिकल में, जी जी जी, ये यहां पे इसने इसके साथ और इसके ने इसके साथ आपस में साझेदारी कर ली, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, कहने का मतलब यही है सर ने कहा कि इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, CO2 रिलीज होती है सर, तो CO2 रिलीज होगी, इसका मतलब क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेंगे और ये रेडिकल आपस में कंजुगेशन कर लेंगे, और कंजुगेशन से किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, बेंजीन का, यही आंसर हुआ, सेकंड आंसर इज, जी जी जी, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े, देखो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस सर हमारा ऐसा मेथड है, जी जी, जिससे हम क्या क्या बना सकते हैं, एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तीनों का रिडक्शन कर सकते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, जी तीनों सिंथेसिस कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बात, बहुत ही प्यारी सी बात सर, बड़ा एक फेमस क्वेश्चन रहता है, जी जी जी, एग्जाम में तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा रहता है, 11th का टॉपिक जो है, जी जी जी, ये हाइड्रोकार्बन का है, एनसीटीसी में अच्छा क्वेश्चन बनता है इसका, जी और ये हमारा बेंजीन का क्वेश्चन है, जी बहुत ही प्यारा सा सवाल था, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये सवाल क्या कह रहा है सर, इसमें हमारे पास डाइजोटेशन है ये, जी जी जी, लेकिन इसमें क्या है, OH भी आ रहा है साथ में और NH2 भी आ रहा है, जी तो इसमें हाफ डाइजोटेशन होगा, जी जी, तो हाफ डाइजोटेशन में हमारे पास यहां कार्बन 10 बनेगा, जी और कार्बन के 10 बन के फिर ये शिफ्ट, अच्छा इसका मतलब ये क्या देगा अपने को, NO पॉजिटिव देता है, NO पॉजिटिव देता है, NO पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल देता है, जो किसके ऊपर रिएक्शन करता है, इसके ऊपर रिएक्शन करता है और इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करता है, तो ये इसको देखकर कुछ ऐसा नहीं लगता सर कि पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट की याद दिला रही है,
यहाँ पे OH होता तो वो पिनाकोल पिनाकोलोन रिंग एनसमेंट ही होता, लेकिन यहाँ पे NH2 दे दिया, हाफ हो गया जी, आधा पे क्या मिल जाएगा CH3 आधा है, तो इसको पूरा कर देंगे अपन, ये इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। अब ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिला, लेकिन इसका पड़ोसी BB दिला रहा है, तो इसका मतलब CH3 क्या हो जाएगी, शिफ्टिंग हो जाएगी। तो जैसे ही आपने CH3 शिफ्टिंग करवाओगे, यानी कि क्या हो गया, आपने रीअरेंजमेंट करवा दिया, तो क्या मिल जाएगा CH3, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है OH, और इस कार्बन पे क्या आ गया CH3 और CH3, एक नन्ही सी जान पर तीन CH3 आ गए हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्या मिल जाएगा BB मिल जाएगी, तो BB मिल जाएगी, बैक बॉन्डिंग यानी ये स्टेबल हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, तो इसका मतलब कौन सा आंसर मिल जाएगा सर अपने को, फर्स्ट आंसर मिल जाएगा जी। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े, इस सवाल के बारे में बताए सर ये क्या कह रहा है, कंपाउंड ए गिव्स फॉलोइंग रिएक्शंस जी, मतलब अपने को ये जो कंडीशन दे रखी है जी, जिनमें से कंपाउंड सेलेक्ट करना है, मतलब हाइड्रोजन गैस भी निकल रही है जी, येलो ऑरेंज पीपीटी दे रही है, बहुत बढ़िया, और साथ में हमारे पास जिंक H2 से रिएक्शन हो जी, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस भी करवाना है जी। अब इसमें ये बात देखिए कि हाइड्रोजन निकले, इसका मतलब मोर एसिडिक हाइड्रोजन, मोर ये एटम के साथ में हाइड्रोजन होना चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन जी जी जी, तो इसका मतलब एसिडिक हाइड्रोजन हम देख ले जी, OH ग्रुप पर देखो OH ग्रुप है, मोर यन एटम के साथ में, फोन के साथ में जनरली अपन देखते हैं कि फोन के साथ में जब भी हाइड्रोजन होता है तो सोडियम आ रहा होता है, एसिड बेस रिएक्शन रिलीज करता है, यानी कि H2 रिलीज करता है, और साथ में कार्बोनिल ग्रुप भी जी 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 जी। अब इसके पास भी है OH, अब इसके पास भी है H, और इसके पास भी है H, इसका मतलब ये चारों ऑप्शन हो सकते हैं जी, इसके अकॉर्डिंग तो ये चारों हो सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं 2,4-DNP यानी कि ब्रेडी रीजेंट दे रखा है, और ब्रेडी रीजेंट कार्बोनिल कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, तो कार्बोनिल कंपाउंड तो सर इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है, इसका मतलब इसमें भी है, इसका मतलब चारों ऑप्शन हो सकते हैं, बहुत बढ़िया। अब ये डिसाइड करेगा कि कौन होगा और कौन नहीं होगा, ये डिसाइड करिएगा, तो इसके बारे में बताएं सर, C6H8O4 इसका मतलब उसके पास कितने कार्बन होने चाहिए, 6 ही कार्बन होने चाहिए, ओजोनोलाइसिस के बाद में 6 कार्बन बचने चाहिए सर, ये कह रहा है ओजोनोलाइसिस के बाद में कितने कार्बन बचने चाहिए, 6 कार्बन बचने चाहिए, तो अगर इसका ओजोनोलाइसिस करवा दें तो इसके पास कितने कार्बन बच जाएंगे सर, 1-2 ये और 3-4-5 कार्बन, घटा 7 की घटा ये तो गया सर। आगे बढ़ते हैं, इसका ओजोनोलाइसिस करवाएंगे तो इसका ओजोनोलाइसिस हो जाएगा, तो इसके पास कितने कार्बन बच गए, इसके पास 4 ही बचे, इसका मतलब ये भी गया। आगे बढ़ते हैं, इसका ओजोनोलाइसिस करवाएंगे तो इसके पास कितने कार्बन बचेंगे सर, 7 बचेंगे, क्योंकि एक तो ये है ही ठीक है, और रिंग वाले हैं, ये रिंग अलग भी नहीं होगी, तो इसका मतलब 6 इसमें और एक ये, 7 कार्बन बचेंगे, इसका मतलब ये कह रहा है कि 6 कार्बन बचने चाहिए, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, अपना आंसर कौन सा हो गया 4th, तो इसका मतलब इसका ओजोनोलाइसिस अपन करवाएंगे तो इधर भी ऑक्सीजन, ये वैसे के वैसा ही पड़ा रहेगा, यानी कि 6 कार्बन है, 6 के 6 ही बचेंगे, और कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 4 का मतलब क्या हो गया, 2 तो यहाँ पे है और 2 ये पहले से ही है, तो इसका मतलब 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे, 6 कार्बन हो गए, इसका मतलब आंसर अपना कौन सा हो जाएगा 4th जी सर, का मतलब ये रीजेंट के अकॉर्डिंग अपने को सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी जी 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 जी, इसके अकॉर्डिंग ही ये बताएंगे, क्यों, क्योंकि पहला चारों ऑप्शन दे रहा था, ये दूसरा भी चारों ऑप्शन की ओर इशारा कर रहा था, लेकिन इस थर्ड ने ये डिसाइड किया कि वास्तव में आंसर कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े सर, तो देखिएगा इस सवाल की ओर, ये बताइए सर, एंड प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन जी 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 जी, अब हमारे पास क्या रहा, ग्रुप आ रहा है CHO आ रहा है, NH2 आ रहा है और एल्डिहाइड जी, अब देखिए इसमें क्या है हमारे पास मिक्स क्वेश्चन है ये जी जी, इसमें केनिजारो भी हो रही है, केनिजारो भी हो रही है, एल्डोल भी हो रही है, बहुत अल्फा H कंटेनिंग कार्बन ग्रुप भी है जी, और अल्फा H लेस कार्बन ग्रुप भी है जी जी, और यहां हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस में दे रखा जी, तो ये मिक्स क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसका तो देखो ये इसके दोनों ही रिएक्शन देखे, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन जी, अब ये देखना पड़ेगा किसका ऑक्सीडेशन होगा जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव का ऑक्सीडेशन होगा, तो फॉर्मल्डिहाइड, और अगर फॉर्मल्डिहाइड दे रखा है तो इसका मतलब उसका ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा, और ये किसमें चेंज हो जाएगा, ये आपका है CHO नेगेटिव, और यहाँ पे क्या जाएगा Na पॉजिटिव जी। अब और यहाँ पर क्या होगा कि बेस क्या करेगा, इससे H निकालेगा जी, निकाल के यानी कि इसके पास अल्फा H भी है, तो ये कह रहे हैं इसके पास अल्फा H भी है, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, बहुत बढ़िया सवाल। अब इसमें क्या होगा, क्रॉस एल्डोल में इसका एनायन बनेगा, अब एनायन बनकर के
और ये हमारे पास क्या है एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड जी 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 अब ये इसके ऊपर क्या करेगा अटैक रिएक्शन कर लेगा अब ये कितनी बार करेगा अब इसके ऊपर अल्फा कितने हैं तीन अच्छा तीन बार अटैक करेगा क्योंकि ये एक्सेस में दे रखा है आपको यहां पे तीन बार इसके इसके 3 मोल रिक्वायर्ड होंगे जी 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 तो ये तीन बार अटैक करके और यहां ग्रुप जो है हाइड्रोजन तीनों रिप्लेस होकर CH2 तीन बार आ जाएगा अच्छा तीन बार CH2OH आ जाएंगे तो इसका मतलब अपना आंसर कौन सा आ जाएगा सर सेकंड आंसर आ जाएगा सर ने बताया कि ये एक पहले एल्डिहाइड दिया हुआ था और एक कीटोन दे रखा है एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है और एक फॉर्मेल्डिहाइड दे रखा है फॉर्मेल्डिहाइड दे रखा है और अब इनमें आपको दो प्रकार की रिएक्शन देखने को मिल रही है एक तो इंट्रामोलिकुलर के क्रॉस केनिजारो रिएक्शन और दूसरी अपने को क्या मिल रही है क्या नाम लेते हैं कंडेंसेशन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और वो भी कौन सी है क्रॉस दोनों ही क्रॉस है एक तो क्रॉस केनिजारो और एक क्रॉस है एल्डोल कंडेंसेशन है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन जी 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 तो मोर रिएक्टिव का हमेशा क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है और अगर फॉर्मेल्डिहाइड दे रखा है तो उसका हमेशा ही क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा तो इसका ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन हुआ तो ये CH2OH में चेंज हो गया और ये अपने को इसके पास अल्फा एच है तो ये इसके साथ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा तो जितने एच है वो सारे के सारे भाग जाएंगे और क्या आ जाएगा CH2OH इसका मतलब अपना आंसर कौन सा मिल जाएगा सर सेकंड तो सर ने बहुत ही प्यारी सी बात आपको थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेट तो हो गया स्टेप काफी जी 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 क्योंकि इसमें टाइमिंग थोड़ा ज्यादा लग जाता है जी जी लेकिन कॉन्सेप्चुअल है यदि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है ना तो टाइम नहीं लगेगा जी सर बहुत प्यारी बात बता दी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल आसान है तो भी आसान है जी तो ये लेंथी भी है क्वेश्चन जी इस सवाल के बारे में क्या ख्याल है सर आपका अब ये हमारे पास आ रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे दिया CW दे दिया ये तो बेस दे दिया तो ये बेस दे दिया एसिड बेस से सॉल्ट बन जाएगा ओहो बेस ने एसिड को देखा एसिड ने बेस को देखा रिएक्शन हो गई राइट और ये बनेगा इसका कैल्शियम का सॉल्ट बन जाएगा जी कैल्शियम का सॉल्ट बन गया कैल्शियम का सॉल्ट बन जाएगा जी 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 यानी कि यहां पे कैल्शियम का सॉल्ट बन गया आपने और फिर ये बना दिया आपने कैल्शियम बेंजोएट बना दिया सर कैल्शियम बेंजोएट बहुत प्यारी सी बात सर ने बताई ये बन गया अब इसका ड्राइव डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो इसमें से CaCO3 निकाल देंगे अच्छा CaCO3 निकाल दो सर CaCO3 निकाल दो जी क्या बन गया सर एसिटोफिनोन बेंजोफिनोन बन गया एसिटोफिनोन या बेंजोफिनोन बेंजोफिनोन मिला है यहां CH3 आता है सब तो एसिटोफिनोन एसिटोफिनोन अच्छा इसको एसिटोफिनोन बोलते हैं कॉमन नेमिंग हां ये छोटी-छोटी बातों पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे तो ये कॉमन नेम याद रखना होना जरूरी है ये क्या है एसिटोफिनोन और ये क्या है बेंजोफिनोन और अपना जो आंसर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है बेंजोफिनोन आ रहा है तो ये हमारा जो से कार्बोनिल कंपाउंड का एक प्रिपरेशन मेथड है जी 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 ड्राइड डिस्टिलेशन मेथड अच्छा इससे अपन क्या बना सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि कीटोन एल्डिहाइड जो अपने सॉल्ट बेस देगा एसिड देगा सॉल्ट बनाएंगे और इससे मिक्सचर भी बना सकते हैं सेल्फ प्रोडक्ट जैसे क्रॉस प्रोडक्ट जी 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 इसमें दो टाइप के लेंगे दो टाइप के बन जाएंगे और ये तो हमारे पास एक ही टाइप का बहुत गहरी बात है ये नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं सर ये सवाल क्या कह रहा है सर अब हमारे देखो PCC आ रहा है डेडिलिन क्लोरोक्रोमेट आ रहा है तो बड़ा फेमस रिएजेंट है जी और पीसीसी एक बेस्ट रिएजेंट है मतलब 2 डिग्री अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करेगा कीटोनों में कीटोन में कन्वर्ट कर देगा और 1 डिग्री को 1 डिग्री को अपने एल्डिहाइड में चेंज कर एल्डिहाइड और कीटोन तक रखना है तो ये बेस्ट रिएजेंट जी 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 अब पीसीसी के बारे में हमें इस पर काफी कई बार क्वेश्चन पूछा है बेस्ट रिएजेंट आइडेंटिफाई माइल्ड ऑक्सीडेंट जी तो ये हमारे पास OH कन्वर्ट हो जाएगा किसमें कीटोनों में कन्वर्ट हो गया यानी कि ये अपना क्या दे रखा था साइक्लोहेक्सेनोन पास ए साइक्लो साइक्लोहेक्सेनोन हेक्सेनोन में कन्वर्ट हो गया और फिर हमारे पास आ रहा है ये फॉर्मेल्डिहाइड जी 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 और डाइल्यूट KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है ये क्या हो गया सर अब डाइल्यूट KOH में आ रही है तो इसका मतलब वहां पर हो गया मतलब एल्डोल एल्डोल वो भी क्रॉस क्रॉस एल्डोल अब इसमें अल्फा एच तो है नहीं इसका अल्फा एच है तो इसका एनायन बन जाएगा सर जी और इसका एनायन बन करके और हमारा इसके प्रोटेक्ट कर लेगा जी इसका स्ट्रक्चर आपने इसको खोल के लिख दिया हां इसको बहुत बढ़िया ये इस प्रोटेक्ट कर लेगा तो ये CH2O नेगेटिव या OH आ जाएगा जी 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 कौन सा आंसर आ जाएगा अपना खास आंसर नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े सर ये सवाल क्या कह रहा है सर ये है CH3CHCOOCH2 बेयर रिएजेंट दे दिया जी जी बेयर रिएजेंट हमारे को पता है कि क्या होता है 1% जी एल्कलाइन सॉल्यूशन इन कोल्ड ठंडा ठंडा भी होना चाहिए ठंडा ठंडा कूल कूल मतलब 1% तन्नु शारीय केमेनोफोर केमेनोफोर का सॉल्यूशन तन्नु भी होनी चाहिए और वो कैसी होनी चाहिए क्षारीय होनी चाहिए जी जी 1% केमेनोफोर इन कोल्ड और बेसिक इन बेसिक मीडियम जी एल्कलाइन बोल दो या बेसिक बोल दो एक ही बात है वो
इन बेसिक यूनिट में। जी 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 जी। तो ये हमारे पास क्या होता है, बेयर रिजेंट होता है, इसी को बोलते हैं बेयर रिजेंट। जी 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 जी। तो बेयर रिजेंट हमारे को क्या करेगा, दोनों साइड में हमारे पास दो दो वॉच आ जाएंगे। ये सिस एडिशन करता है या ट्रांस एडिशन करता है? बेयर रिजेंट जो हमारे पास सिन करेगा, सिन एडिशन करता है। बहुत ही गहरी बात सर ने बताई कि सिन एडिशन करता है बेयर रिजेंट। CS2 इधर भी क्या जाएगा OH और इधर भी क्या जाएगा OH। इसके बाद में हमारे पास आ रहा पर आयोडिक एसिड। पर आयोडिक एसिड ये क्या काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जी 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 जी। अब ये एक सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करता है? जी 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 जी। विसिनल डाइकार्बोनिल जो भी आते हैं जी 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 जी, इनको क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, यानी ये क्या करता है, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। अच्छा, और दोनों साइड में दो OH ऐड कर OH OH लगा देता है। बहुत गहरी बात, सिन का ही करेगा ये, ट्रांस का नहीं कर पाएगा। अगर ये ट्रांस एडिशन से कुछ बनता, यानी कि एक यहां होता और एक इधर कुछ होता, तो ये रिएक्शन करने से मना कर देता, फिर नो रिएक्शन आता। ठीक है, पर आयोडिक एसिड सिन का ही ऑक्सीडाइज करता है, तो इधर OH इधर OH लगा देते हैं, तो क्या बन जाएगा सर, एक नन्ही सी जान पर दो OH आगे नहीं खटा सकते, ये बन जाएगा अपने पास। और यहाँ पे भी एक कार्बन पर दो OH आएंगे, वो भी नहीं खटा पाएगा, तो क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। एक मोल फॉर्मेल्डिहाइड, एक मोल एसिटाल्डिहाइड। इसका मतलब ये और ये दोनों आंसर आ जाएंगे सर। तो इसका मतलब अपना आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ आंसर आ जाएगा। यही आंसर मिला अपने को, कौन सा बता, फोर्थ आंसर मिल जाएगा। जी सर, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े। इस सवाल के बारे में क्या ख्याल है सर आपका? देखिए, इसमें हमारे को ओजोनोलाइसिस का क्वेश्चन पूछा। जी जी जी। और वो भी हमारे पास क्या है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस दे रखा है। तो रिडक्टिव में देखिए, हम डायरेक्ट रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, ये इंपोर्टेंट ब्रेक होकर दोनों साइड में एक एक ऑक्सीजन है। जी जी। अब ये पूछ रहा है कि यहाँ दो कंपाउंड बनेंगे हमारे पास, एक एल्डिहाइड बन गया, एक कीटोन बन गया। अच्छा, एक तो ये बन गया अपने पास एसीटोन, और दूसरा अपने पास क्या मिल गया, ये मिल गया एसिटाल्डिहाइड। अब इन दोनों को डिफरेंशिएट अपने को करना है। अच्छा, इन दोनों को विभेदित कैसे कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन है जो टेस्ट दे सकते हैं? ये तो आइडोफोम टेस्ट नजर आ रहा होगा सर, हैलोफोम रिएजेंट होगा। जी जी जी, ये तो दोनों ही देंगे, जिसके पास CH3CHO ग्रुप होता है, इसका मतलब यानी कि CH3 मिथाइल डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये वाला ग्रुप जो है वो सारे के सारे हैलोफोम टेस्ट देते हैं, इसका मतलब दोनों के पास ही है, तो इससे नहीं कर सकते। टोलेन से कर सकते हैं, क्योंकि ये कीटोनों का काम नहीं है, ये किसका काम है, एल्डिहाइड का काम है, एलिफैटिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जो होता है। जी जी। सर एक बात, एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों क्या टोलेन एजेंट टेस्ट देते हैं? टोलेन दोनों देते हैं, दोनों देते हैं, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, दोनों ही एल्डिहाइड टेस्ट देते हैं, यानी कि एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों ही टोलेन एजेंट शो करते हैं। क्या फेलिंग सॉल्यूशन भी दोनों देते हैं? फेलिंग दोनों देते हैं, एरोमेटिक भी देते हैं। बहुत ही गहरी सी बात है ये कि एरोमेटिक का ऑक्सीडेशन नहीं करता, ये केवल एलिफैटिक का ही करता है। जी 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 जी, क्योंकि ये हिंड्रेंस के प्रति ज्यादा सेंसिटिव। जी जी जी। तो इसका मतलब टोलेन डिसेंट से ही इनको दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड टेस्ट देगा कीटोन नहीं देगा। फेलिंग सॉल्यूशन ये भी एल्डिहाइड का टेस्ट होता है, तो एल्डिहाइड देगा कीटोन नहीं देगा, इसका मतलब दूसरा और तीसरा दोनों आंसर आ जाएंगे सर, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा सर, फोर्थ आंसर। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े। ये सवाल क्या, कार्बनिक यौगिक X जी, इसका अणु सूत्र हमारे को दिया C5H10O। जी जी जी। जो फिनाइल हाइड्रोजन और आयोडोफॉर्म टोलन परीक्षण ऋणात्मक देता है। जी, इसमें थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ होगी सर, ये कह रहा है कि फिनाइल हाइड्रोजन के साथ तो रिएक्शन करता है, लेकिन आयोडोफॉर्म और टोलेन के साथ टेस्ट ऋणात्मक देता है। ये इस तरह से लेंगे, क्योंकि अंग्रेजी में पढ़िए सर। हां, इंग्लिश में से दिया सर। जी जी जी। और ये कंपाउंड है सर, ये फिनाइल हाइड्रोजन इज अ नेगेटिव रिस्पांस। जी जी, ठीक है, यानी कि फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, इसका मतलब वो एल्डिहाइड और कीटोन तो हैं, एल्डिहाइड और कीटोन तो दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो क्या नहीं देंगे, आयोडोफॉर्म और टोलेन के साथ नेगेटिव टेस्ट देंगे। अब कीटोन में 2 पेंटेनोन तो देंगे। जी जी एलोफॉर्म। जी, और 3 पेंटेनोन नहीं देंगे। जी, एल्डिहाइड में तो केवल ऐसे लग रहा है जैसे ये वाला ग्रुप अगर है एसिटाल्डिहाइड ही हैलोफॉर्म टेस्ट देता है और कोई नहीं देता। और कीटोन में हमारे पास, कीटोन में अगर अपन बात करें तो मिथाइल कीटोन शो करेगा, एक साथ में ये वाला ग्रुप है, यानी कि 2 आ जाए, 2 कीटो। तो बताएं सर, तो अभी हमारे को नेगेटिव दे रहा है। जी जी जी, इसका मतलब 2 नहीं हो सकता है। जी, तो एमाइल अल्कोहल क्या होता है सर? एमाइल नॉर्मल, नॉर्मल एनएमिल बोलते हैं, पेंटाइल अल्कोहल को बोलते हैं, एमाइल पेंटाइल को बोलते हैं, पेंटाइल अल्कोहल सिंपल चेंज है। जी जी जी, ये पेंटेनल दे दिया सर, पेंटेनल, पेंटेनल एल्डिहाइड पेंटेनल, तो वो सर क्या देगा, आयोडोफॉर्म नहीं दे सकता, लेकिन टोलेन तो वो भाग कर देगा। ठीक है,
और टू पेंटेनोन दोनों टेस्ट शो करेगा, दोनों ही शो करेगा, ठीक है। और ये थ्री पेंटेनोन दोनों ही ऋणात्मक टेस्ट देगा, नेगेटिव टेस्ट देगा, यानी कि ना तो ये हेलोकोम दे सकता, ना ही टोलेन दे सकता। फिनाइल हाइड्रेजोन के साथ रिएक्शन करेगा, फिनाइल हाइड्रेजीन के साथ रिएक्शन करके फिनाइल हाइड्रेजोन का फॉर्मेशन करता है। थोड़ा सा लिखने में भी गलती है वहां पे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा थ्री पेंटेनोन, ठीक है। अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, थ्री पेंटेनोन। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े सर, ये सवाल क्या कह रहा है सर, प्रेडिक्ट द करेक्ट इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट द फॉलोइंग रिएक्शन। जी 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 जी, इंटरमीडिएट आपको और प्रोडक्ट बताना है। जी जी जी, इंटरमीडिएट ए बन रहा, फिर ए से प्रोडक्ट बन। जी 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 जी, तो हमारे पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH2। जी सर, नीट में आया हुआ सवाल है, तो इसमें हमारे को पूछ रहा है ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, एल्काइन की बेहतरीन सी रिएक्शन है ये। तो यहाँ पे क्या जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड, ये डाइल्यूट H2SO4 दे रखा है, और किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग। तो चिपका देते हैं अपन H2O, यानी कि HC+2 की प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा, मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग वाटर का एडिशन हो जाएगा CH2, और यहाँ पे क्या जाएगा, इनोल फॉर्म बन गई है अपनी। इनोल टोटोमेरिज्म करवा दीजिए सर, किस में चेंज हो जाएगा, किटोन में चेंज हो जाएगा, CH3 एसीटोन का फॉर्मेशन हो गया। तो कौन सा आंसर अपना आ जाएगा सर, ए में अपने ये मिला इंटरमीडिएट, और बी में अपने को एसीटोन मिल गया, इसका मतलब अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड आंसर। बहुत ही प्यारा सवाल है ये, नीट में आया हुआ सवाल है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े, क्या कह रहा है सर इस सवाल के बारे में बताएं सर, आइडेंटिफाई ए, ए को पहचानना। जी जी जी, देखिए इसमें C2H5MgCl दे दिया था जी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक में कर देगा। जी जी जी, और फिर बोला साइक्लाइजेशन होगा सर, ये एक बात बताएं मुझे कि किसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर, इसके ऊपर। देखिए ये जो रिएक्शन है वो तो एडिशन रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो वही अटैक करेगा जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, कार्बन उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। जी जी जी, CO ग्रुप की इलेक्ट्रोड ज्यादा है ना, तो सर किसके ऊपर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा, सब्स्टिट्यूशन से एडिशन ज्यादा रिएक्टिव होता है, यही वाली बात हुई सर। तो इसका मतलब ये Cl आ गया सर। जी जी जी, और ये यहां अटैक कर देगा, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, मेरा हाइड्रोलिसिस के पास सीधा डायरेक्ट बना। जी जी जी, ये हो चल। अब इसमें क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होता है। जी, इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन, यानी कि ये वाला बंदा इसके ऊपर अटैक कर देगा और ये भाग जाएगा, ये लिविंग ग्रुप निकल। जी जी जी, तो क्या मिल जाएगा सर अपने को, साइक्लाइजेशन से भी हमारे पास। जी, यानी कि एक ही कार्बन पर CH3 और एक ही कार्बन पर एथाइल है, तो इसका मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा, अपने थर्ड आंसर आ जाएगा, ये मिलेगा सर। तो इसमें क्या दो क्वेश्चन हो गए, पहले तो रिएक्शन हो गई कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और दूसरी होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन हो गई है। नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये कॉलम मैचिंग का बहुत ही शानदार सा सवाल है सर, रीजेंट आइडेंटिफाई करें। जी जी जी, बताएं सर। तो देखिए सिर्फ रीजेंट क्या होता है, सिर्फ रीजेंट हमारा कलरलेस सॉल्यूशन होता है SO2 का। जी जी जी, मैजेंटा डाई जो, जी जी, मैजेंटा डाई के अंदर हम SO2 गैस फ्लो करते हैं, तो वो कलरलेस सॉल्यूशन मिलता है। जी जी, तो जो एल्डिहाइड होती है वो तो उसको कलर को वापस रिपेयर कर लेता है। जी जी, और एकेटोन भी वापस रिपेयर होता है। जी, तो ये पैरा रोसेनलीन, ये पैरा रोसेनलीन हाइड्रोक्लोराइड, जी जी जी, उसमें से SO2 पास करवाएंगे तो क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। पैरा रोसेनलीन हाइड्रोक्लोराइड वो जो मैजेंटा डाई, जी जी जी, वो पिंक कलर का होता है, खुद पिंक कलर का होता है, लेकिन जब जैसे ही SO2 पास करवाएंगे तो सिर्फ रीजेंट कलरलेस सॉल्यूशन मिलता है, और उसके बाद में एल्डिहाइड उसमें डालेंगे तो वापस पिंक की घर आ जाएगी, यानी कि वापस पिंक कलर आ जाएगा। इसका मतलब ये एल्डिहाइड का टेस्ट हो गया, तो एल्डिहाइड का टेस्ट भी हो गया ये, और ये भी होता है, ये सर ने बताया ये SO2 पास करवाने पर होता है कलरलेस सॉल्यूशन। तो इसका मतलब बी और सी पहले का आंसर आ जाएगा, और बी और सी पहले में ही आ रहा है तो पहले ही आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो अल्कोहलिक KOH किसका काम करता है सर, एलिमिनेशन का काम करता है, तो इसका मतलब एलिमिनेशन किस में आ जाएगा, ए में, ई दे रखा है अपने को। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट दे रखा है सर, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो है वो एल्डिहाइड का टेस्ट देता ही देता है, और सिल्वर मिरर बनाता है, और एक क्लोरोफॉर्म को भी आइडेंटिफाई करने के लिए काम आता है। अगर प्योर क्लोरोफॉर्म है तो वो रिएक्शन नहीं करती, और अगर इम्प्योर क्लोरोफॉर्म है तो वो रिएक्शन कर लेती है, यही वाली बात है सर। तो क्लोर है यानी कि प्योर क्लोरोफॉर्म है तो वो रिएक्शन नहीं करेगी, इम्प्योर है तो वो कर लेगी, तो इसका मतलब वो क्लोरोफॉर्म के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। और बेंडिक सॉल्यूशन किसका काम करता है सर,
बेंडिक सॉल्यूशन की अगर अपन बात करें तो बेंडिक सॉल्यूशन जो होता है वो आपको पता ही है एल्डिहाइड का टेस्ट होता है, ठीक है। बेंडिक सॉल्यूशन ठीक वैसा ही होता है जैसे कौन सा होता है, फेलिंग सॉल्यूशन होता है, ठीक है। एक में सिट्रेट होता है, एक में एक में सिट्रिक एसिड होता है और एक में रूसोवा सॉल्ट होता है, कौन सा, आंद्रे रसल, ठीक है, रोसेल सॉल्ट। जी 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 रोसेल सॉल्ट, बहुत बढ़िया बात बता दी। और आंसर कौन सा आ जाएगा सर इसका, पहला। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ें। ये सवाल दे रखा है सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए ओजोनोलाइसिस उल्टी गंगा बारा सर, ये अब जैसे ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट पूछा आपने जी, तो इनमें से अपन सेलेक्ट करके देख लो ये प्रोडक्ट किसका है। तो जैसे सर अभी इसका अपन इसका करके देख लेते हैं, इसका करेंगे तो सर ये पंखुड़ियां कहीं और जा रही हैं, तो ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इसका करेंगे तो ये पंखुड़ियां सामने आ रही हैं, सामने आ रही। जी 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 जी, फिर इसका करके देखें तो इसमें तो और ही कहानी आ रही है, इसमें तो पंखुड़ियों पे दे पंखुड़ियां, तो ये तो हो ही नहीं सकता जी। तो इसका मतलब ओजोनोलाइसिस, सीधी सी बात है कि जैसे ही ऐसे दिया हुआ रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस का सवाल हो और प्रोडक्ट बना के दे रखा हो तो दोनों ऑक्सीजन को खा जाओ और आपस में चिपका दो डबल बॉन्ड से, बस ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ओजोनोलाइसिस तो बड़ा पैड क्वेश्चन है। जी जी जी, ऑर्गेनिक का। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े। इस सवाल के बारे में क्या कह रहा है सर, एसिटिल के बारे में कह रहा है। ये एसिटिल में क्या पूछा भाई, एसिटिल क्या होता है ये? जी जी जी, तो इट इज अ कंडेंसेशन प्रोडक्ट फ्रॉम टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड की दोनों का संघनन उत्पाद है। ना 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 ना, ये तो गलत बात हो गई सर, गलत हो गई। ये तो संघनन उत्पाद तो किसकी ओर इशारा कर रहा है, ये तो एल्डोल कंडेंसेशन की ओर इशारा कर रहा है, तो इसका मतलब वो संघनन होता है, ठीक है। दो एल्डिहाइड के मोल आपस में मिले, या तो अगर अल्फा एच प्रेजेंट है तो वो किसकी ओर इशारा करेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन की ओर, और अगर अल्फा एच नहीं है तो इसका मतलब केनिजारो की ओर इशारा करेंगे, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। आगे बताएं सर। इट कंडेंस प्रोडक्ट टू मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन, वही सेम बात हो गई, वहां एल्डिहाइड लिखा था, यहां कीटोन हो गया, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, नहीं ये सकता। इसके बारे में बताएं सर। ये अल्कोहल के दोनों का संघनन उत्पाद है, दो अल्कोहलों के दो अल्कोहल, ये भी नहीं हो सकता, ईथर का निर्माण हो जाएगा। It is a diether. जी हाँ, ये diether है, यानी कि जैसे रिएक्शन करवा के बताएं सर, OR, जी, ये OR, यानी कि कैसे रिएक्शन करवाई, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड अपने को दे रखा था और यहाँ पे एसिटिल दे रखा है, इसका मतलब एल्डिहाइड हो गया, ठीक है सर। इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं किसके साथ, अल्कोहल के साथ, अल्कोहल के साथ किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, ड्राई HCl की प्रेजेंस में करवाते हैं, यानी कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये एसिटिल बनता है। ड्राई लेते हैं, हाँ सर, ड्राई एसिटिल, ड्राई क्यों लेते हैं इसमें, जी ड्राई यानी कि ये HCl है और एसिड है, एसिड का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि ये न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा देता है, कैटलिस्ट का काम। जी अगर यहाँ पे बेस, एक एनसीईआरटी में सवाल भी है कि अगर बेस का इस्तेमाल करोगे तो बेस खुद इसके साथ रिएक्शन कर लेगा और ये अल्कोहल बेचारा देखता रह जाएगा, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में इसलिए लिया जाता है, क्या होता है जैसे ड्राई अपन एक तो ये कैटलिस्ट का सर ने बोला जी, कैटलिस्ट का रोल कर ही रहा है जी, दूसरा यदि अपन इसको मोस्ट ले लेंगे ना जी, तो वापस हाइड्रोलाइसिस जी, वापस वही प्रोडक्ट जी 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 जी, इसलिए अपन ड्राई रखना जी जी जी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े। ये अपने को सवाल दे रखा है सर, इसमें अंतिम उत्पाद ई को पहचानिए, मतलब स्टेप रिएक्शन दे दी सर। जी जी जी, और लास्ट में ए बी सी डी और ई पूछना सकता, लंबी ट्रेन चला दी सर। तो लंबी ट्रेन की सवारी बन जाते हैं सर अपन, बेंजीन अपने को दे रखा है, बेंजीन की रिएक्शन अपने किसके साथ करवा दी सर, किसके साथ करवा दी, Br2 और Fe, कौन सी रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ESR हो गई। जी जी जी, यहां पे क्या आएगा, Br आ रहा है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाने की बात हो रही है सर, ये दे रखा है CH3COO और यहां पे CH3 और ये दे रखा है, तो ये इसके ऊपर यानी कि ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, तो ये अच्छा आएगा, फिर यहां से इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज अब इसके ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे, जिसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, पेरा वाला होगा, तो पेरा वाला अपन क्या बना देंगे, मेजर बना देंगे, यहाँ पे क्या आएगा, सी डबल बॉन्ड ओ और सी एस थ्री, और यहाँ पे क्या आएगा, बी आर। फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं अपन, इसके साथ सी एस थ्री, ठीक है। तो ये कौन किसके साथ रिएक्शन करेगा, कीटोनों के साथ रिएक्शन करेगा सर। अभी जो थोड़ी देर पहले बात थी एसिटिल कीटेल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, कीटेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा ओ सी एस थ्री और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा ओ सी एस थ्री, इसका फॉर्मेशन हो गया, कीटेल का फॉर्मेशन हो गया। अब आगे क्या करें, एमजी के साथ रिएक्शन करवा दो, तो एमजी क्या काम करेगा, बिना रिएजेंट का फॉर्मेशन करेगा, तो जैसे ही एमजी के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा एमजी और यहाँ पे क्या दे रखा है बीआर।
और यहाँ पे क्या आया कार्बन ओ मिथाइल और यहाँ पे भी क्या दे रखा है ओ मिथाइल और यहाँ सी एस थ्री है। अब क्या करें D2O दे रखा है इसके साथ में देखना D2O और D2O में क्या करेगा आपको पता है एसिड बेस रिएक्शन होगी मोर यन एटम के साथ में जब भी क्या दिखाओ H लिखाओ D लिखाओ T लिखाओ ये एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा D आ जाएगा और OD उसके साथ चला जाएगा तो यहाँ D आ गया। अब इसका दोबारा हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं तो क्या हो जाएगा इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा वापस वही पेरेंट कंपाउंड जी 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 वापस वही बन जाएगा इसका मतलब पेरा पोजीशन पे क्या रहेगा D रहेगा तो इसका मतलब आंसर कौन सा आ जाएगा अपना थर्ड आंसर आ जाएगा। जी सर सही कहा मैंने करेक्ट एकदम बढ़िया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं सर इस सवाल के बारे में क्या वॉल्फ-किशनर रिडक्शन पूछ रहा है जी बेडिया रिडक्शन के बारे में बातें कर रहा है तो इसमें हम क्या करते हैं हाइड्रोजन लेते हैं बेसिक बेडिया वॉल्फ नाश्ते नाश्ते कुछ कर गया था तो ये हमारे पास ये पूछ रहा है कि OH कन्वर्ट होगा नहीं CO ग्रुप कन्वर्ट होता है सर जी कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन में चेंज करता है जी ये देखो ये ग्रुप इसमें कन्वर्ट हो रहा जी, है जी एसिड सेंसिटिव ग्रुप बेस सेंसिटिव ग्रुप ये बताना चाहिए जी 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 और यहां ये कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्ट हो रहा है किसमें एल्कोहल में ये भी नहीं हो सकता एल्केन में कन्वर्ट करता है कार्बोनिल ये यहां पर कंडीशन ये है वुल्फ-किशनर का की प्रेजेंस में अगर अपन रिडक्शन करवाते हैं तो उसके पास क्या नहीं होना चाहिए बेस सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट नहीं होना चाहिए और क्लीमेंसन रिडक्शन करवाते हैं तो उसके लिए क्या नहीं होना चाहिए एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट नहीं होना चाहिए और ये कार्बोनिल कंपाउंड का किसमें चेंज करता है एल्केन में चेंज करता है जी जी और ये हमारे पास हो जाता है N2H4 जी और बेसिक मीडियम जैसे KOH ले लिया जी ग्लाइकोल भी ले लेते ग्लाइकोल हाई बीपी के लिए यूज किया जाता है ग्लाइकोल इन दोनों को एक बार जी में सवाल भी आया था बेंस में सवाल आया हुआ है ये दोनों अलग अलग लिखे हुए थे वो सवाल क्या था मैं लिख भी देता हूँ सवाल ऐसे था सर कि यहाँ पे अपने क्या दे रखा है आर सी डबल बोन ओ फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ था हाइड्रोजन NH2 और यहाँ पे दे रखा था ए और फिर लिखा हुआ था KOH ठीक है और यहाँ पे बी लिखा था बी पूछा गया था तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए क्या बनेगा और बी क्या बनेगा तो इसका मतलब क्या है ये बी पूछ रहा है इसका मतलब ये कौन सा है क्लेमेंस वुल्फ-किशनर रिडक्शन ही है लास्ट में क्या बनाना है अपने को RCS3 बनाना है ठीक है फर्स्ट ये क्या हो जाएगी यानी कि ये तो अमोनिया अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन होगी सर कौन सी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होगी ठीक है तो क्या बन जाएगा अपने पास ये बन जाएगा N यहाँ पे क्या आ जाएगा NH2 ठीक है उसके बाद में इसका क्या करवा देंगे अपन KOH की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस अब ये जो बेस जी 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 यहां से हाइड्रोजन को हटाकर यहां पर ले जाते फिर N2 रिलीज कर देता है जी जी बहुत प्यारी बात बता दी गहरी बात सबने तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसका फोर्थ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े इस सवाल के बारे में CH3COO सुरक्षा करनी पड़ेगी मतलब बॉडी गार्ड खड़े कर दो सर तो बॉडी गार्ड खड़े कर देंगे तो किसके साथ रिएक्शन कर लेगा ये एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या आ जाएगा अपने पास कुछ ऐसा मिला यहाँ पे क्या आया CS3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा NH और यहाँ पे COCS3। अब Br2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये NH अब ये दो दे दिए सर ये भी प्लस वाला है और ये भी प्लस वाला है किसकी सर, चलेगी सर अब सर इसकी चलेगी उसकी चलेगी जो ज्यादा मोर इफेक्टिव होगा यानी कि ये प्लस M है और ये प्लस H है तो प्लस M इज मोर इफेक्टिव देन प्लस H तो ये डिसाइड करेगा कि कहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा। अब ये ऑर्थो और पेरा पे प्रोडक्ट बनाता है ये तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ESR की बात करें तो ये क्या है ऑर्थो और पेरा लेकिन इसकी पेरा पोजीशन तो ब्लॉक कर रखी है तो इसका मतलब ऑर्थो बची तो ऑर्थो पे लगा देते हैं Br तो जैसे ही आपने ऑर्थो पे क्या लगा दिया Br लगा दिया तो यहां पे क्या जाएगा Br और यहां पे क्या है अपने पास NHCO और CH3 ये दे रखा है सर। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे तो वापस वही मिल जाएगा एक साइड में H और एक साइड में OH तो अपने को क्या मिल गया सर कुछ ऐसा मिल गया यहाँ पे CS3 यहाँ पे Br और यहाँ पे क्या आ जाएगा वापस NH2 आ जाएगा ये मिला सर मतलब अपने को जब ऑर्थो पर कोई ग्रुप लाना है जी 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 तो अपने को क्या करना है इसकी रिएक्टिविटी रिड्यूस करनी पड़ेगी जी तो इसको अपन प्रोटेक्ट करेंगे प्रोटेक्ट करेंगे पहले प्रोटेक्शन कर दिया इसका यानी कि इसकी सुरक्षा कर दी और उसके बाद में जो अपने को करना था इसकी रिएक्टिविटी जैसे अब ये पहले बेंजीन में जा रहा था लोन पे जी जी अब दो साइड की तरफ जी जी दो साइड में ध्यान भटकने लग गया अब इसका कम
ये हमारे पास क्या करेगा, सिन एडिशन कर देंगे जी, दोनों साइड में OH आ जाएंगे सर, दोनों साइड में OH लगा दो सर, ये CH3 जी और ये OH, ये सीस रहेगा सर, ये सीस रहेगा जी जी, दोनों OH एक ही साइड पे रहेंगे, अब ये CR3 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया जी जी जी, तो ये हमारा क्या करेगा इसको 2 डिग्री 3 डिग्री को तो हाथ भी नहीं लगाएगा, 1 डिग्री और 2 डिग्री को ऑक्सीडाइज करेगा, इसका मतलब ये किस में चेंज कर देगा, 2 डिग्री अल्कोहल अपने को दे रखा है तो कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, और ये वैसे का वैसा ही रहेगा सर, ये वैसे ही 3 डिग्री वैसे का वैसा रहेगा, इसका मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा अपने पास, अपना आंसर हो जाएगा फर्स्ट जी सर, ये ओजोनोलाइसिस करवा दिया, ये तो ओजोनोलाइसिस हो गया जी जी, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, और इसमें इस OH को गायब भी कर दिया, ये भी आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है सर, देखिए सेलेनियम SeO2 है जी, सेलेनियम जो जी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जी जी जी, और ये सेलेक्टिव ग्रुप को ही ऑक्सीडाइज करता है जी, तो ये क्या करता है, जैसे ये कार्बोनिल ग्रुप है इसका जो एडजेसेंट कार्बन है ना जी जी, उसको वो कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, अच्छा अल्फा CH2 अगर है तो उसको किटो में चेंज कर देगा, जैसे ये इसमें कन्वर्ट कर देगा जी, इसमें कन्वर्ट कर देगा, बहुत बढ़िया प्यारी बात, सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जी जी जी, एक अल्फा को दोनों को करेगा या एक को करेगा, दोनों में से कोई से ले ले जी, एक को करेगा, दोनों में से एक को करेगा, अगर मान लो कुछ ऐसा दिया होता तो सर तो फिर ये CH2 को करता, CH2 को करता, फिर CH2 को करता, मिथाइल मीथेन जी 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 जी, तो ये हमारे पास है डाइकार्बोनिल ग्रुप बन जाएगा सर जी जी जी, अब डाइकार्बोनिल ग्रुप आने के बाद फिर आगे पूछ रहा है कि ए क्या होगा जी, ए जो है वो रिड्यूस द टॉलरेंस, ए देगा, ए देगा क्या दे सकता है, क्या इनमें से टेस्ट पूछ रहा है इसका टेस्ट, टोलेन रिसेंट को रिड्यूस करेगा जी हाँ करेगा, एल्डिहाइड ग्रुप अपने को दे रखा है इसका मतलब, आइडोपम टेस्ट जी हाँ लेगा, और ये केनिजारो रिएक्शन देगा सर, केनिजारो भी देगा, कौन सी केनिजारो देगा, ये इंट्रामोलिकुलर केनिजारो देगा, तो इसका तो रिडक्शन हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन और इसका क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो आंसर अपना कौन सा आ जाएगा सर, फोर्थ आंसर, सारे के सारे सही है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए, ये सवाल क्या कहा है सर, करेक्ट रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड टुवर्ड साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, जी 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 साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन, इसका मतलब ये तो वही होगी सर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन, माइनस वाले इंक्रीज करेंगे प्लस वाले डिक्रीज करेंगे, विड्रॉलिंग ग्रुप देख लो, विड्रॉलिंग ग्रुप जोड़ो आप, दो लोग इफेक्टिव होते हैं, एक तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए अगर हम बात करें तो दो लोग, एक तो स्टेरिक क्राउडिंग देखेंगे और एक अपन क्या देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखेंगे, माइनस वाले इंक्रीज करेंगे प्लस वाले डिक्रीज करेंगे, और स्टेरिक क्राउडिंग जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही कम हो जाएगा जी, बताएं हमारे पास देखिए ये जो अब देखो NO2 ग्रुप आ गया जी जी, तो ये तो सर विड्रॉ माइनस माइनस एम हो गया जी जी जी, स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप आ गया जी, यहां पे OH हो गया, इसका मतलब कौन सा इफेक्ट हो गया प्लस है, ये प्लस का मतलब ये इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप है वाला ग्रुप का जी, इस पे कुछ नहीं है, इसका मतलब इन तीनों में से B की ज्यादा फिर A की और फिर C की, अब ये D वाला तो एलिफेटिक दे रखा है, तो एलिफेटिक इज मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक, एलिफेटिक मोर रिएक्टिव होगा किससे, एलिफेटिक मोर रिएक्टिव होगा किससे, एरोमेटिक से जी, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा आएगा D का, सबसे ज्यादा D का, उसके बाद में B का, उसके बाद में C का, तो D, B और A और C, तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा सर, थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े, तो एलिफेटिक एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक, ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े, तो ये सवाल क्या कह रहा है सर, NaOBr, अब NaOBr सर वो हेलोफॉर्म रिएजेंट ही है, अच्छा ये हेलोफॉर्म ही है, बार बार ये दे रहा है कि बताना चाह रहा है अपने को, हेलो को इशारा कर रहा है, हेलो को भी याद कर जी जी जी, यानी कि Br2 और अगर ये NaOH दे रखा हो तो इसका मतलब ये क्या है, यही है राइट, यही है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जी जी जी, अब इसमें ये इसका हेलोफॉर्म बना लेगा जी, जो ये ग्रुप है CO जी, ये CH3 जी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हेलोफॉर्म में जी, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा जी, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो अपने को क्या मिल जाएगा, कुछ ऐसा मिला यानी कि ऐसा मिल गया, यहाँ पे OH का वैसे का वैसा रहेगा, यहाँ पे क्या जाएगा O नेगेटिव, कुछ ऐसा ही रहा, तो देख लो सर एसिड किस में बनना है, इसमें नहीं बनना, इसमें नहीं बनना, इसमें नहीं बनना, सेकंड आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े, नेक्स्ट सवाल अपने को क्या दे रखा है सर, NAPD, ये तीर सर उल्टा जाना था कहीं और चला गया कहीं और, तो सीधा कर दो इसको, देखिए ये एक मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन जी जी जी, तो इसमें क्या है, ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेनोन जी, तो अब इसमें हमारे पास NaBD4 जैसे हम ले लो जी जी, तो इसमें हमारे पास रिएक्टिव स्पीशीज क्या, डी नेगेटिव, डी
यानी कि ये दे रखा है सोडियम बोरोहाइड्राइड किस गैप पे डी दे दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे डी नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे एच नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा और यहाँ पे डी नेगेटिव, बताएं सर। तो अब ये डी नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ अटैक कर देगा, तो ये अटैक करने के बाद में मैकेनिज्म का जो पहला स्टेप है जी 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 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से ओ नेगेटिव नेगेटिव और यहां आ गया डी डी। अब नेक्स्ट जो आएगा ना, अब ये बेस बन गया जी जी, अब एसिड बेस रिएक्शन होगा जी जी, H2O के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो यहां पे H आ जाएगा, यहां से जैसे H2 लेंगे H आ जाएगा, इसका मतलब पहले डी और फिर OH, यानी कि पहले डी फिर OH, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है अपना, हो सकता है ये नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब फर्स्ट ही आंसर आ जाएगा। अब इसमें कौन अटैक करेगा, पहले पहले डी और बाद में ओ डी दे रखा है, तो बाद में भी डी, पहले भी डी बाद में भी ओ डी, ठीक है, डी डी आएगा इसमें, पहले एच, पहले एच अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल है, उसके बाद में कौन आएगा, ओ डी दे रखा है, तो बाद में डी, इसका मतलब कौन सा आंसर हो गया, फर्स्ट। ये क्वेश्चन जो है देने का पर्पस है कि मैकेनिज्म का स्टेप क्लियर करना, जी 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 जी, कि पहले अटैक कौन करता है बाद में, नॉर्मली अपने सोच लेते हैं कि ये ओएच है यार यहां क्या है, जी जी जी, इसमें तो क्या लिख दिया, इन ऑल केस में एक ही लिख दिया, अगर अलग अलग लिख के देता तो इसका मतलब आपको करके देखना पड़ता अभी क्या है और क्या नहीं है, ठीक है, पहले कौन अटैक करेगा, पहला एच जो आता है वो तो आता है रिजल्ट से, जी जी जी, दूसरा आता है वो वोटर से, जी जी जी, वोटर से, और ऐसे लग ऐसे रहा कि दोनों वोटर से, जी, बहुत ही प्यारी और गहरी बात बताई है, दिल की बात। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये सवाल क्या कह रहा है सर, अब ये अपने को पूछ रहा है फेलिंग सॉल्यूशन, व्हिच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड वुड गिव द पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन, जी जी जी, फेलिंग सॉल्यूशन इज अ टेस्ट अपने को पूछा है जी, फेलिंग सॉल्यूशन हमारा एल्डिहाइड जिसे कीटोन नहीं देते जी, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी देते हैं सर, हां बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड बोल दो, बीटा हाइड्रोक्सी अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड शो करते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी, सॉरी अल्फा, बीटा अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड भी देते हैं, हेमी एसिटाइल भी शो करता है और हेमी कीटाइल भी शो, हेमी एसिटाइल हेमी कीटाइल, ये दोनों ही हेलोफॉर्म यानी कि क्या कहते हैं फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेन एजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, तो ये टेस्ट देगा सर, ये तो नहीं देगा, ये नहीं दे सकता, कौन सा भला, फेलिंग की बात हो रही है, फेलिंग कीटोन नहीं देते, ठीक है, और ये क्या बन गया, ये कीटाइल बन गया, और ये कीटाइल नहीं देते, हेमी कीटाइल देंगे, ये इसका मतलब क्या है, ये तो ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन लगाया जा रहा है, थक ही नहीं रहा, इसका मतलब ये तो दे ही नहीं सकता, और वो क्या है सर, हेमिकिटेल, हेमिकिटेल देंगे, हेमिकिटेल देंगे, हेमिकिटेल और हेमी एसिटेल जो होते हैं वो, हेमिकिटेल और हेमी एसिटेल जो होते हैं वो टोलेन और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में पॉजिटिव टेस्ट देते हैं जी सर, राइट, कौन सा आंसर आ जाएगा अपना, फोर्थ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े, ये सवाल कुछ कह रहा है सर आपसे, देखिए वापस फिर पहले पीसीसी फिर आ गया सर, जी जी जी, तो पीसीसी हम डायरेक्ट क्या करेंगे जी, 2 डिग्री कन्वर्ट कर दे जी कीटोन में जी, अब इसके बाद CH3NH2 आ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एडिशन कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, जी जी, तो ये हमारे पास क्या होगा जी, ये अटैक वाटर निकाल दो डायरेक्ट, और डायरेक्ट हम सीधे प्रोडक्ट बना देते हैं, इमीन बन गई, कहने का डबल बॉन्ड NH NH और CH3 CH3 जी, अब हमारे पास 1 2 3 4 H हटा दो सर, वो H नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड एंड CH3 जी, ये बन गया अपने पास, अब हमारे पास H2PD दे रहा सर, जी ये रिडक्शन करने का काम करता है, रिडक्शन एजेंट, जी जी, निकल प्लेटिनम प्लेटियम, तो ये हमारे पास प्लेटिनम का कार्बन है, ये दोनों तरफ ऐसा जाएगा सर, दोनों तरफ एच आ जाएगा, इसका मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा, सैचुरेटेड 2 डिग्री अमीनो, जी 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 जी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ें, ये है 59 नंबर सवाल, क्या कह रहा है सर, कौन से यौगिक की परकीन परकीन रिएक्शन की बात कर रहा है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, जी इसमें भी वही है सर, माइनस वाले क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन है, माइनस वाले इंक्रीज करते हैं और प्लस वाले डिक्रीज करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एडिशन का एग्जांपल है परकीन, यही है परकीन रिएक्शन, यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सेमीमिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जी जी बताएं सर, कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, जी जी, तो हमारे पास रिएक्शन हो जाती है, लेकिन अब इसमें एक्टिव ग्रुप जैसे NO2 से रिएक्टिविटी बढ़ेगी, जी माइनस वाले इंक्रीज करेंगे, इससे रिएक्टिविटी सर कम हो जाएगी, जी जी, ये प्लस एम वाला आ रहा है, जी जी, और ये विड्रोइंग ग्रुप में जा रहा है, जी, तो ये माइनस एम, माइनस एम वाले इंक्रीज करेंगे, यानी कि रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी की अगर अपन बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप के, कार्बोनिल कंपाउंड की बात हो रही है ये पूरे की, क्योंकि ये कार्बोनिल कंपाउंड ही तो है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप के,
जी सर, तो कौन सा आंसर आ जाएगा अपना? फर्स्ट सी आंसर हो जाएगा सर इसका। जी नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। ये अपने को सवाल दे रखा है सर, बहुत ही प्यारा सा। डाइल्यूट ओवरच हीटिंग अब कार्बन ग्रुप दे दिया। जी जी, तो ये इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल है। जी 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 जी, बताएं दे सर आज। तो देखिए हमारे पास ये डाइल्यूट ओवरच बता दो सर इसके बारे में। इसमें तो हमारे पास अल्फा एच है नहीं जी, और इस साइड में है हमारे पास, दूसरी तरफ तो है लेकिन इस साइड में। जी जी, और इधर देखें तो ये कार्बन ग्रुप आ रहा है जी, तो ये यहाँ पर हमारा कार्बन आयन बन जाएगा इसका। जी जी जी, और ये कार्बन आयन बन के और इस पर अटैक कर लेगा, यानी कि 6 मेंबर और 5 मेंबर रिंग मोर स्टेबल होती है, जिसमें से 6 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल देन 5 एंड 7। राइट, हम इंट्रा को तभी प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तभी हमारे 5 और 6 मेंबर, 5 और 6 बने तभी, और जिसमें से 6 मेंबर रिंग मोर स्टेबल होंगे। जी जी जी, तो इसमें कितने कार्बन की बन जाएगी सर? 3 तो ये हो गया, 2 ये हो गया, 1 ये हो गया, इसका मतलब इसमें 6 कार्बन की रिंग बन जाएगी। तो इसका मतलब अपना ये आंसर आ जाएगा सर, यही आएगा सर, बीटा कीटो ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि इसमें क्या बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है। अपन ये चेक कर लें कंजुगेशन दोनों में। जी जी जी, पाई सिग्मा पाई। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट आंसर हो गया। ये थी अपने कार्बन, हमने देखा कि ज्यादातर हमारे कार्बोनिल में एल्डोल और केरिजोल बड़े इंपॉर्टेंट। जी 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 जी, और एक हैलो फॉर्म रिएक्शन। जी जी जी, तो हर एक स्टूडेंट को मैं एक बात करना चाहूंगा कि एक तो हैलो फॉर्म रिएक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि हर जगह आपको हैलो फॉर्म का बीच में स्टेप कहीं कहीं मिल ही जाएगा आपको। एक स्टेप जो है वो आपको हैलोफॉर्म का मिलेगा ही मिलेगा। और आपको दूसरी बात ये है, एल्डोल और केनिजर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, तो आप इन इंजेक्शनों को तो बड़ा अच्छे से पढ़े जी। तो ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड कंप्लीट होता है जी। नेक्स्ट हम मिलेंगे एसिड एंड डेरिवेटिव, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव। ओके स्टूडेंट, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, खुद का ध्यान रखें, घर वालों का ख्याल रखें। जय सी एल सी। थैंक यू।